नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं मंझान न्यूज़। मैं आपके साथ तंकी सिंह चौहान। बता दूं कि आज 55वें मैच में दिल्ली और आरसीबी के बीच यह मुकाबला होने वाला है, जहां पे पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर भी जाने की जो जंग है वो भी देखी जाएगी। ऐसे में दिल्ली की टीम चाहेगी कि जीत के साथ प्लेऑफ में अपना जगह पुख्ता करे और साथ ही बड़ी जीत दर्ज करे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम पूरे श्रृंखला में खेलती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से विफल हो गई है। जिस तरह से शिखर धवन ने पिछले कुछ मैचों में अच्छी पारी खेली, लगातार दो मैचों में शतक भी बनाया, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप नजर आए। वहीं अगर उनके कैप्टन की बात करें, जो श्रेयस अय्यर हैं, कैप्टन भी कुछ मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर पाए हैं, लेकिन बाकी मैचों में वो भी फ्लॉप रहे हैं। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो जो ऋषभ पंत, जो धोनी के उत्तराधिकारी भी कह जाते हैं, ऐसे में उनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी टीम के लिए काम आती है, लेकिन पूरे श्रृंखला में ऋषभ पंत अपने रन बनाने के और साथ ही अपनी लय को खोजते हुए नजर आए हैं। ऐसे में साफ कह सकते हैं आज जब मुकाबला 7:30 बजे स्टार्ट होगा तो ऋषभ पंत के ऊपर दारोमदार होगा, श्रेयस अय्यर के ऊपर दारोमदार होगा, और वहीं शिखर धवन और पृथ्वी शॉ भी चाहेंगे कि अच्छी ओपनिंग साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दें, मजबूत स्तंभ दें, ताकि पूरी श्रृंखला में जिस तरह से दिल्ली को एक युवा खिलाड़ी, युवा टीम के तौर पर जाना गया है, लेकिन दिल्ली पूरी तरह से उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। ऐसे में साफ कह सकते हैं आज जब मुकाबला होगा तो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और साथ ही उनके गेंदबाजों जो कासिगो रबाडा हैं, स्टोनिस हैं और साथ ही कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो पूरी श्रृंखला में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज श्रेयस अय्यर की टीम चाहेगी कि दिल्ली कैपिटल जिस तरह से पूरी श्रृंखला में स्टार्टिंग से शुरू से ही खेलती नजर आई है, आज अच्छी बल्लेबाजी करें। खासकर बल्लेबाजों को चलने की काफ़ी ज़रूरत होगी, जहाँ ऋषभ पंत जो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए हैं, उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार होगा अच्छी बल्लेबाजी करने का। श्रेयस अय्यर चाहेंगे कि अपना लय वापस कर लें, शिखर धवन चाहेंगे कि अच्छी पारी खेलकर आज दिल्ली को प्लेऑफ में जगह पुख्ता करा दें। इसी प्रकार की और भी खबरों से बने रहने के लिए हमारे मंझान न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले आए तो आप उस वीडियो का पूरा आनंद उठा सकें। नमस्कार।